इनका लगा था हाँ गौशाले दिखाते ही नमके। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, इस समय रात के 4 बज रहे हैं, भोर के 4 बज रहे हैं। दिखा दो भाई घड़ी, और अभी हम लोग रेडी होके जा रहे हैं मंदिर दर्शन करें। और कौन से मंदिर जा रहे हैं वो आप लोगों को रास्ते में पता चल ही जाएगा। तो पूजा भी हो गया है, मैंने पूजा भी कर लिया है। अब गाड़ी का वेट हो रहा है, गाड़ी आ जाए उसके बाद सब उनके सब लोग साथ में जाएंगे। तो चलिए, ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा। टिकट कंफर्म है ना? इसमें चार्जिंग नहीं लिस्ट है। जो भाई किनारे बैठी है ना, ये पीछे बैठे जा आते हैं। अब मामा भाई मैं हूं किनारे बैठा, कावा हम बैठे हो आराम से। मैं भी बस किनारे बैठा। गाइस देखिए कितना सुंदर व्यू है, यहाँ पे निकल रहे हैं सूरज भगवान, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। और आप लोगों को एक बात पता है, इधर सूरज भगवान निकल रहे हैं और आप लोगों को इधर दिखाती हूँ ना, चंद्रमा भी निकले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे चंद्रमा भी निकले हुए हैं, तो दोनों साइड सूरज चंद्रमा दिख रहे हैं, इधर से चंद्रमा उधर से सूरज भगवान। तो गाइस ब्लॉग में तक बने रहिए क्योंकि मैं आप लोगों को मल्लिका अर्जुन में चल रही हूँ। हाँ तो गलत थोड़ी ना कहे, सही कहे। सो गाइस ये है डैम, और यहाँ से आप लोगों को जो दिख रहा है ये लंबी लंबी गई ना ये सीढ़ियाँ है, और यहीं से सब लोग चढ़ते उतरते हैं। बट अभी हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग रुकेंगे इसके बाद, मतलब जब आते समय फिर रुकेंगे, अभी नहीं रुकेंगे।
अभी मंदिर में जल्दी से पहुंचना है, जितनी देर होगी ना उतना ज़्यादा भीड़ होगा मंदिर में, तब प्रॉब्लम होगी, धक्के धुक्के में दर्शन मिलेगा, और ऐसे जल्दी जाएंगे तो जल्दी दर्शन मिल जाएगा। तभी भी हम लोगों को 10:30 तो बच ही जाएगा मंदिर में पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अभी इतनी बड़ी पहाड़ी है उसको भी चढ़ना है। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिए, और ये देखिए अब धीरे धीरे पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट हो गया है, और आप लोगों को पता है 80-90 किलोमीटर केवल पहाड़ है, जो पहाड़ पे जंगल है, तो वहाँ पे चढ़ना है। और आप लोग देखिएगा जंगल झाड़ी वगैरह वगैरह सब दिखेगा आप लोगों को। तो ये देखिए कितना सुंदर बादल लग रहा है, और बच्चे सब सो गए हैं, बड़े भी सब सो रहे हैं, कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, वैसे आ रही है सबको, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात को हम लोग 3 बजे ही उठ गए थे ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही थी, बच्चों को भी नींद आ रही है, सबको नींद आ रही है। तो गाइस ये देखिए पहाड़ पे ही ये यहाँ एक गांव, एक क्या 3-4 गांव बसा है, अब इसके बाद भी आप लोगों को दिखेगा गांव बसा हुआ, कुछ दूर पहाड़ है फिर गांव बसा है, फिर पहाड़ है फिर गांव बसा है, तो ऐसे ही है। किसी पहाड़ किसी जंगल में शेर बहुत हैं, किसी जंगल में सांप है, किसी जंगल में लोमड़ी है, किसी जंगल में बंदर है। तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि वहाँ पे लिखा गया, फिर देखिए जंगल के बाद फिर गांव आ गया था, फिर देखिए यहाँ पे गांव दिख रहा है ना, फिर जंगल दिखेगा भी। और यहाँ पे पुलिस चेक चल रहा है, प्लास्टिक ले जाना बैन है, तो प्लास्टिक की चेकिंग हो रही है कि प्लास्टिक का बॉटल तो नहीं जा रहा है, बट हम लोगों ने प्लास्टिक का बॉटल नहीं लिया था, जो भी लिया था स्टील का बॉटल लिया था पानी भर के, यही अच्छा था, अगर प्लास्टिक का लिए होते तो वो भी वहीं पे निकालना पड़ जाता, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, अगली बार हम लोग गए थे तो प्लास्टिक का नहीं, प्लास्टिक में ही लेके गए थे तब बैन नहीं था, इस बार प्लास्टिक बैन हो गया, और मोबाइल मंदिर में ले जाना बैन हो गया, पहले हम लोग मोबाइल मंदिर में लेके जाते थे बट इस बार नहीं लेके गए, लेके जाएंगे, क्योंकि पहले ही पता हो गया है कि मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो कहीं पे रख के फिर हम लोग या फिर गाड़ी में ही रख देंगे। और यहाँ पे रुके हैं कुछ काम से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को पता है जंगल में खाना रखना केला रखना मना है, 10,000 का फाइन है, और उसके बाद रुकना भी मना है। तो ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा था नज़ारा ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, बहुत सुंदर लग रहा था एकदम हरा भरा, लेकिन रिस्क भी बहुत रहता है, कहीं 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 दिख रहा था जो पहाड़ है ना वो गिरे हुए, तो जिसकी वजह से रिस्क बहुत था, पत्थर गिरा था, पहाड़ का जो टुकड़ा होता है ना वो गिरा हुआ था 2-3 जगह, इसलिए बारिश में पहाड़ों पे चढ़ना बहुत बड़ी रिस्क है। मैं तो बोल रही थी नहीं जाऊंगी एक दिन पहले ही, कल ही बोली थी, बट पतिदेव ने कहा नहीं चलोगी, सब चलेंगे तो साथ में चले चलो घूम के आ जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, यहाँ पे देखी गाड़ी वगैरह खड़ी है, अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पे ना डैम है यहाँ पे भी, और वही सब फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए खड़े होते रहे हैं, अब थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में।
अरे वही है पिछवा बनावा था ना फिर से नया उधर उधर से देखो कहीं है तो जुगाड़ डाल दो वही है बहुत इधर उधर बहुत होता है गाड़ी गिरता बाहर निकाल दिया वीडियो में आगे भैया इनका लगा था हाँ गौशाला ही दिखाते हैं नमकीन गौशाला है गौशाला है वही गौशाला की दिख रही है क्योंकि ये लोग पूरे दुबले पतले हैं इनको खाने में नहीं मिलता है सही से रहू आएगा मुझे लगता है इधर से कोई डांस नहीं कराएंगे लोग